मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया, यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी, मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी, 21 दिन कल पूरे हुए, अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है, मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया, रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया, बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया, जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज मैं दोबारा, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं 54 मिली हो, 58 मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं 54 नहीं मिली तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है,
फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया, यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए। अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ, महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया,
लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया, भाई आ तो हम ही रहे हैं तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कली बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं, ये माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए। बिल्कुल नहीं जाना आप इस उससे, जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा, ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है, जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी, आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा।